नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शिवांश खुशी। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है, और लेवल्स बताने के बाद टारगेट और स्टॉप लॉस बताने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चार्ट्स में मुझे ऐसा क्या दिखा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बाय या सेल का रिकमेंडेशन दिया। तो बिना टाइम वेस्ट कर बढ़ते हैं अपने स्टॉक की तरफ। तो सबसे पहला आता है IGL, सेल करने की सलाह दूंगा मैं। 414.5 के नीचे शॉर्ट करना, 410 406.5 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके रखना है 418 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है गाइस चोला फाइनेंस, बाय करने की सलाह 213.5 के ऊपर बाय करना है, 216 219 के टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 208 का। थर्ड स्टॉक इज हिंदुस्तान यूनिलीवर, सेल करने की सलाह है 2152 का नीचे आपको शॉर्ट करना है, 2144 एंड 2136 के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस हमें 2161 का मेंटेन करना है। BEML शॉर्ट करने की सलाह 650.5 के नीचे शॉर्ट करना है, 645 641 के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस हमें 657 का मेंटेन करना है। लास्ट स्टॉक आता है गाइस सन टीवी, सेल करने की सलाह है 389 के नीचे शॉर्ट करिए, 384 381 के टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉस हमें 394 का मेंटेन करना है। हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं, वहां जाके देखेंगे कि ये स्टॉक्स मैंने आप लोगों को क्यों रिकमेंड करे हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर मैं सीधे चार्ट्स पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं एक बार यहाँ पर इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं IGL के बारे में। IGL में देखते हैं कि IGL में पर्टिकुलर क्या हमने इसमें एक सिनेरियो देखा। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप खुद देख पा रहे हैं, मैं अगर आपको थोड़ा और जूम करके भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप खुद देखेंगे, मैं आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेगा कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आई, उसके बाद हमने क्या देखा कि हायर हाइज बन रहे थे, देख रहे हैं, और हायर लोज बन रहे थे। हमने क्या देखा, जो प्रीवियस वाला लो था वो ब्रेक हो गया आज, ये देख पा रहे हैं, मतलब मार्केट ट्रेंडिंग था अपवर्ड। उसके बाद हमने क्या देखा, मार्केट ने अपना लो तोड़ा, अब ये क्या करेगा, अब हल्का सा ऊपर जाएगा, अब लोअर लो बनाना शुरू करेगा। तो इस हिसाब से ये एक सेल कैंडिडेट है। हम किस तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सपोर्ट है, सपोर्ट रेड कलर की लाइन दिख रही है, मल्टीपल बार यहाँ इसे होल्ड कर रहा था, ये देख रहे हैं मल्टीपल बार। जब आप लोगों को पता होगा कि एक लाइन पे अगर कोई शेयर मल्टीपल बार आता है तो वो लाइन हो जाती है वीक और वो ब्रेक हो जाती है इवेंचुअली। तो अगर ये सपोर्ट की लाइन में बार बार आ रहा था तो ये सपोर्ट की लाइन ब्रेक हो गई, अगर ये रेजिस्टेंस की लाइन पे बार बार आता तो एक्चुअल में होता कि रेजिस्टेंस की लाइन ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आप देख सकते हो एक फुल मारबूजू कैंडल बनी, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ हुई है। कल क्या हो सकता है, कल हो सकता है कि शायद यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बना दे, हॉल्ट कैंडल बना दे, उसके बाद अगले दिन हम एक डाउन साइड देखें। तो कल शायद हो सकता है कि एक डाउनफॉल आ भी जाए, तो कल हम इसमें अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे। अगर ये इस रेंज इसके अंदर ही रहता है, इस बिग कैंडल के अंदर, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा हम लोग अपनी पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक आता है गाइस चोलामंडलम फाइनेंस। चोलामंडलम फाइनेंस में अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक घंटे का चार्ट ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शेयर ने क्या परफॉर्म करा। एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आई, उसके बाद हम देख रहे थे क्या कर रहा था, ये एक रेंज के अंदर चल रहा था और रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और कंटिन्यूसली एक मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं सिर्फ इसके टारगेट की बात करता हूँ तो सबसे पहला जो टारगेट था वो तो इसका अपर हायर लेवल होगा जो कि 215 था, जो कि आज के आज आ गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, मैं आप लोगों को और नीचे लेकर जाता हूँ। तो ये वाला इसका एक नेक्स्ट टारगेट आ रहा है जो कि 232 का आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि ये आ सकता है। अब क्या कर सकता है, कल थोड़ी बहुत हॉल्ट ले ले यहाँ पे और उसके बाद एक मूवमेंट दे, तो इसको भी हम वॉच लिस्ट में रखेंगे और मुझे लगता है डेफिनेटली ये कल फायदा देकर जा सकता है। हम लोगों ने तो यहाँ पर 209 के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी बाय पोजीशन बना रखी है, तो देखते हैं इवेंचुअली ये हमें कितना प्रॉफिट देकर जाता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट स्टॉक आता है गाइस BEML। BEML में हम लोग देखते हैं कि BEML में पर्टिकुलर क्या सिनेरियो बना है। सबसे पहले आप यहां पर देखेगा,
तो मैंने 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए, इस पर्टिकुलर शेयर में मुझे ऐसा क्या दिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रांग अप मूव आई, इस लेवल से हमने एक रिवर्सल देखा, यहाँ से एक दोबारा अप मूव आई, इसी लेवल से जो पिछला टॉप था एग्जैक्ट वो टॉप था, और वहां से हमने एक दोबारा एक सेलिंग आते हुए देखी, ये देख पा रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो टॉप मैंने बना रखा है, इस टॉप पे ये वाली जो कैंडल दिख रहे हैं, ये वाली कैंडल हमें क्या दिखा रही है कि इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है, जो कि हमें एक इन्वर्स दिखा रही है कि मतलब यहाँ से एक सेलिंग आ सकता है। दूसरी बात, एक सेलिंग चीज़ हमें और क्यों दिख रही है कि ये वाली जो कैंडल थी, इस वाली कैंडल ने इसको भी कवर कर लिया, और जो नेक्स्ट कैंडल थी प्रीवियस कैंडल, उसका 50% के नीचे जाके क्लोज हुई है। तो प्रॉबेबली अब क्या हो सकता है कि 2-3 रुपये का अगर ऊपर खुलता है तो भी हम लोग इसमें एक शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। क्या होता है जर्नली कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, अब हमें यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है, हमें लगता है ऊपर नहीं जाएगा, हमारी प्रोबेबिलिटी है, अगर हमें इसमें शॉर्ट करना है तो हम लोग क्या देखते हैं, ये कैंडल गई, एक ये कैंडल है ऊपर तक आ गए। अब हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट कैंडल होती है, जो रेड कलर की कैंडल हो, वो क्या हो, वो प्रीवियस कैंडल जो होती है उसके 50% के नीचे बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि अब सिनेरियो वीक हो चुका है, तो यहाँ पर 50% के नीचे बंद कर चुकी है, तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट कर सकता हूँ, और एक डबल टॉप का भी सिनेरियो यहाँ पर है। सेकेंड फोर्थ स्टॉक पे आते हैं जो कि है सन टीवी। सन टीवी पे भी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, यहाँ पर आप देखिएगा जी गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रांग मूवमेंट के बाद इस लेवल से आया है, स्ट्रांग एक मूवमेंट आई इस लेवल से। आप देख सकते हैं 350 से लेके हमने यहाँ पर एक 450 का लेवल देखा अप्रोक्स, उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बनाया। ठीक है, इसका इस लेवल पे ब्रेक कर चुका है, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बंद हो चुकी है, तो यहाँ पर किसी कोई शॉर्ट बना सकता है, या फिर ये जो दो कैंडल दिख रहे हैं रेड, इसे यहाँ तक आने दो, एक बार मैं कहूँगा तो इसे 393 तक आने दो, और यहाँ पर कोई अगर एक रिवर्सल हैमर या कुछ कैंडल बनाती है तो एक बार यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, मुझे लगता है कि आपको बढ़िया लेवल्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं, तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। लास्ट स्टॉक आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये स्टॉक देख पा रहे हैं एक अपर राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अपर राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसमें क्या एक पर्टिकुलर सिनेरियो बन रहा है। अपने हायर रेजिस्टेंस से सबसे पहले एक सेलिंग आ रही है, तो मैं एक प्रॉक्स मान के चलता हूँ कि ये यहाँ तक आएगा। दूसरी बात, एक शार्प फॉल आई, ऊपर गया नीचे आया, ये देख पा रहे हैं इसी रेंज के अंदर ही काम कर रहा है। ये रेंज जैसी ब्रेक होगी, जो कि आता है 2051 कर आ रहा है लेवल, ये जैसी लेवल ब्रेक होगा मुझे लगता है कि एक शार्प फॉल यहाँ तक आ सकती है, तो इस पर भी हम लोग एक ट्रेड बना के चल सकते हैं। प्योर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे स्टॉक्स प्रोवाइड कराए गए हैं। अब आते हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी की बात करूं अगर मैं गाइस, तो निफ्टी पे सबसे पहले आप यहां पर अगर देखेंगे तो निफ्टी ने अपर राइजिंग चैनल का एक ब्रेकआउट दे दिया है। यहां पर आप खुद देख सकते हैं अपना अपर राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है, ये देख पा रहे हैं। अगर मैं इसके फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, थर्ड टॉप को अगर मीट करता हूँ तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है, इसने यानी कि मंडे को ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद आज हमने एक छोटी सी हॉल्ट कैंडल देखी पर वो भी इसके ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिली। अब गाइस प्रॉब्लम क्या है, मैंने आप लोगों को अपनी पिछली पिछली वीडियो में भी बताया था, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये कैंडल ब्रेक दे चुकी है रेड कलर ग्रीन कलर की कैंडल, अब हमें वेट करना है कि अगली ग्रीन कैंडल इसके ऊपर एक अच्छी बंद होनी चाहिए। यहाँ पर कैंडल बंद तो हुई है पर एक रेड कलर की कैंडल बन हुई है, और इस ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल का अगर हम कहें तो ये कैंडल है शूटिंग स्टार। इस कैंडल पैटर्न स्टिक का नाम होता है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। तो गाइस ये टॉप पे बनती है अपने, और यहाँ से रिवर्सल आने के जो चांसेस होते हैं वो हायर होते हैं। अब गाइस यहाँ पर मैं कहूँगा कि कल ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है, क्यों, कल हम लोगों को, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हम लोगों ने आप लोगों को लेवल्स प्रोवाइड करा दिए, उसी लेवल्स के हिसाब से चलिएगा, क्वांटिटी कम करिएगा, क्यों, कल मेक और ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है। कल अगर इसके ऊपर निकल जाता है, कल अगर 10,800 के ऊपर क्लोज कर दे तो गाइस मेरे हिसाब से बाय मोमेंटम आ चुका है और 11,000 का लेवल आराम से आ जाएगा। बट अगर मैं देखूं कि 10,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, और ये जो प्रीवियस रेड कलर, ये जो प्रीवियस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दे रखा था, उस ब्रेकआउट के नीचे अगर वो क्लोज कर जाता है कल निफ्टी, ध्यान से सुनेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
तो आपको डेफिनेटली मार्केट को शॉर्ट करते हुए चलना है, ठीक है। वेट करना है कि इस रेंज के अंदर दोबारा आए, शॉर्ट पोजीशन बनाइए, वरना वेट करिए कि कल 10,800 के ऊपर क्लोज कर जाए। कल अगर 5 रुपए भी निफ्टी ऊपर क्लोज कर गया तो भी मैं बाय पोजीशन अपनी बना लूंगा, ठीक है गाइस। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, तो ध्यान से ट्रेड करिएगा, ठीक है। कल वेडनेसडे है, मतलब वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन है, तो मार्केट पे बहुत केयरफुली ट्रेड करना है, लेस क्वांटिटी लेनी है और ध्यान से ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी उसके अकॉर्डिंग ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे, क्यों? आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस टॉप था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रीवियस टॉप के, अगर आपको यहां पर मैं दिखाता हूं किसने क्या एक सिनेरियो करा, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। यहां पर मैं ये सारा हटा देता हूँ जी। यहां पर आप देखिएगा एक स्ट्रांग कलर की रेड कलर की कैंडल थी, उसके बाद मैंने आपको बताया था ये एक रेंज बना दी थी, ये वाली रेंज मैंने आपको बोला था इसमें बाय करिए, तो यहां पर आप देख सकते थे यहां पर बाइंग आई, ये हमारा टारगेट था, ठीक है, जो कि आ रहा था टारगेट 22,500 का लेवल। क्या था, एक शेयर नीचे आया, एक रेंज के अंदर ट्रेड करा, रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करा, जहां पर मोमेंटम, जहां से मोमेंटम फॉल हुई थी वहीं पर ही मोमेंटम पे दोबारा आना था, बट हमने क्या देखा, उसको भी ब्रेक कर चुका है और उसके ऊपर भी जाके क्लोजिंग कर चुका है, और कैंडल भी वीक नहीं है, ना कि शूटिंग स्टार है, बिल्कुल सिंपल कैंडल है। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि शायद बैंक निफ्टी निफ्टी के अकॉर्डिंग वीक ना हो, और अगर मैं देखूँ तो 250-300 पॉइंट ही नीचे हो सकता है बैंक निफ्टी, बट दोनों को बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है, बहुत संभल के ट्रेड करना है, तभी हम लोगों को इस पर फायदा मिलने वाला है। तो प्लीज़ कल मार्केट को बहुत सीरियसली वॉच करिएगा। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा गाइस, कोई कमेंट्स में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, साइनिंग ऑफ।